हेलो फ्रेंड, देव ऑनलाइन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, जीवाजी यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए गुड न्यूज है। यहाँ पर सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए बीए बीएससी बीकॉम रेगुलर प्राइवेट दोनों के लिए तो यहाँ पर एग्जाम फॉर्म भरने की जो है डेट को बढ़ा दिया गया है। यदि आपने अभी तक अपना एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है तो अब आप जो है एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पर कितनी तारीख तक एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे और क्या क्या फीस पेमेंट रहेगी, ये सारी डिटेल्स आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल देव ऑनलाइन हेल्प को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जीवाजी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पर लिखा हुआ है संशोधित अधिसूचना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है सर्व संबंधितों की सूचना अधिसूचित किया जाता है कि स्नातक बीए बीएससी बीकॉम बीएससी होम साइंस द्वितीय वर्ष, यहाँ पर देखिए द्वितीय वर्ष की जो एग्जाम है वो यहाँ पर 20 मार्च से स्टार्ट है। तो इस द्वितीय वर्ष के लिए जो है यहाँ पर परीक्षा मार्च अप्रैल 2020 के लिए यहाँ पर रेगुलर प्राइवेट दोनों के लिए जो है डेट बढ़ा दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं संशोधित तिथियां निम्न अनुसार घोषित की जाती है एग्जाम फॉर्म के लिए। और ये नोटिफिकेशन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 मार्च यानी कि कल शाम को आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो परीक्षा आवेदन पत्र नियमित शुल्क के साथ महाविद्यालय में जमा करने की तिथि, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए नियमित शुल्क के साथ यहाँ पर अभी डेट नहीं दी गई है, शो नहीं कर रहा। इसके बाद यहाँ पर दिए लेट फीस के साथ यदि आप पेमेंट करते हैं तो आप जो है 12 मार्च 2020 तक कर पाएंगे। इसका मतलब फ्रेंड यहाँ पर जो है आप जो है नियमित शुल्क के साथ यदि पेमेंट करेंगे तो आप जो है 10 तारीख तक यानी कि 10 मार्च तक अपना ऑनलाइन आवेदन फिल कर सकते हैं यानी अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आप लेट फीस के साथ करना चाह कर पाए किसी कारण से तो आप जो है ₹500 आपको लेट फीस देना होगा। आप 12 मार्च 2020 तक जो है अप्लाई कर पाएंगे और नियमित शुल्क के साथ 10 मार्च तक। और यहाँ पर जो फीस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं बीए बीएससी बीकॉम के लिए अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं। यदि आप प्राइवेट के लिए भी यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो वो यदि आप देखना चाहें तो उसको भी मैं आपको यहाँ पर देखिए बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला नोटिफिकेशन जो है प्राइवेट स्टूडेंट के लिए जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए जारी किया गया है। यहाँ पर अब आपको एक और चीज दिखाई देगी, देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है इसकी लास्ट डेट जो है आप देख सकते हैं लेट फीस के साथ 12 मार्च है और यहाँ पर आप 10 मार्च तक जो है नियमित शुल्क के साथ अपना एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अब आप अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड एक छोटी सी न्यूज थी और छोटी सी जो नोटिफिकेशन आया था जो जीवाजी की तरफ से उसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपकी जानकारी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों में और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।